पर ना 2000 लीटर के दूध से पहले दही बनाई जाती है, फिर उससे लस्सी बनाई जाती है। बहुत क्रेजी डिमांड रहती है यहाँ पे। चलिए चलते हैं, आज आपको गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी पिलवाते हैं। गाइस आज हम आ गए हैं लाल मन लस्सी वालों के यहाँ पर। 1975 से ये शॉप है और ये देखो आप, लुक एट दिस, इस सब में ना दही जमी हुई है। रात को ये लोग दही जमा देते हैं और यहाँ से कुल्लड़ की लस्सियाँ बनती हैं। जबरदस्त, इतनी भीड़ रहती है ना कि पहले इतने सारे ग्लासेस प्रिपेयर करके रख दिए जाते हैं। बर्फ की सिल्लियों पे मलाई को अलग से रखते हैं क्योंकि मलाई गर्मी में पिघल ना जाए, बहुत प्यार से मलाई को संभाल के रखते हैं। क्योंकि दूध दही के तो आपको पता है कितने क्रेजी दीवाने हैं, 30 रुपये का ग्लास और 50 रुपये का ग्लास, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से यहाँ पे लोग आते हैं ले जाते हैं। और एक काउंटर नहीं है, ऐसे यहाँ पे इतने सारे काउंटर है, बनाने वाले इतने सारे हैं, तो आप सोचो पीने वाले कितने सारे होंगे। मेरे से तो इंतज़ार नहीं हो रहा, मैं अपना एक बनवाती हूँ बढ़िया सा ग्लास और ये हमारी लस्सी बनना शुरू हो गई है। बर्फ़ को ना खुरदुरा कर गया कि आपने ऐसे इसको बर्फ़ को ऐसे काटा क्यों है छोटा छोटा? मुझे मलाई ठंडी रहेगी। आधे लोग तो आपकी ये मलाई देखकर ही आ जाते होंगे यहाँ पे। तो गाइज मैं आप लोगों को ना एक बार डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों का भी मन कर रहा होगा इतनी गर्मी में ये लस्सी पीने का। और ये देखो कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी रिच यार ये दही है। 2000 लीटर दूध से यहाँ पे रोज़ आता है, यहाँ पे रोज़ ऐसी दही प्रिपेयर की जाती है, उसके बाद खुद ही उसकी लस्सी बनाई जाती है। हम लोग हैं आज गाज़ियाबाद में, यहाँ पे गाज़ियाबाद का पुराना बस स्टैंड है, उसके पीछे ना एक मार्केट लगती है, मिनी मार्केट कहा जाता है। लेकिन इस मार्केट को कोई नहीं जानता, इस मार्केट को लाल मन लस्सी के नाम से ही जाना जाता है। दो लोगों ने स्टार्ट किया था, भाइयों ने, और आज इतनी बड़ी दुकान हो गई है। अब बारी है इसमें थोड़ा सा मीठापन डालने की। एक होती है नमकीन वाली लस्सी और एक होती है मीठी लस्सी। आपको कौन सी वाली लस्सी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये देखिए इसके अंदर ना बर्फ फूट के डाल गई, अब होगा इसका घमासान युद्ध, इसको वो मशीन में लगाया जाएगा। मैंने पूछा था तो इन्होंने बताया था कि पहले ना ये हाथों से बनाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई उसकी वजह से थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ा, नहीं तो ये पहले तो हाथों से ही बनाते थे। ये ना जितनी ठंडी करनी थी लस्सी उतनी हो गई है, अब बर्फ़ को निकाल दिया गया है क्योंकि उससे उसका टेक्सचर पतला ना हो जाए। और ये आ गए हमारे कुल्हड़, इन्हें रखा जाएगा, इन्हें भरा जाएगा और उसके बाद करेंगे हम इंजॉय। टेंटेन, ये देखो बाहर की गर्मी से छुटकारा पाने का राहत, ये कोल्ड ड्रिंक कोका कोला से तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा सही रहती है। ये है हमारी मलाईदार, ठीक है। और बताए बेस्ट पार्ट कि आपको यहाँ पे मतलब जितनी भी मलाई लेनी है आप उतनी बार ले सकते हो, वो मना नहीं करते हैं ऐसा मैंने सुना है। और ये मैं अपनी बिना लस्सी अब बिना मलाई वाली लस्सी पीऊँगी। आप लोग भी कहोगे कैसी फूड ब्लॉगर है यार, मलाई नहीं खाती, बट बचपन से नहीं खाई तो अब कैसे एकदम से स्टार्ट कर देते हैं। ओए होए ऐसा लग रहा है जैसे पी नहीं रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, इट्स सो अमेजिंग, इट्स सो थिक, इट्स सो रिच एंड इट्स स्वीट, आई रियली लव इट। गाइस कमेंट सेक्शन में अपने उस दोस्त को टैग कर दो जो मतलब देसी घी, देसी मक्खन, मलाई और काना भक्त है, ठीक है, उनको जिनको ये लस्सी वस्सी बहुत पसंद है। और कभी गाज़ियाबाद आ रहे हो, लाल मन की लस्सी पुराना बस स्टैंड के सामने, वैसे तो बहुत मशहूर है, हमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप किसी से पूछना आपको गाइड कर देंगे। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, टाइमिंग्स बता देती हूँ, सुबह 8 बजे खुल जाती है, रात को 10:30 बजे तक, 9-10 बजे तक रहती है।